तो उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य भर में बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार को आड़े हाथों लिया और महंगाई को लेकर सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया है। तो महंगाई को लेकर सड़कों पर कांग्रेस, अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर पूरे देश भर में देशव्यापी हड़ताल, चक्का जाम, भारी संख्या में लोगों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर नाराजगी की अलग अलग जगहों की तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर कांग्रेस की तरफ से जो हड़ताल और धरना प्रदर्शन देने का काम हुआ है, वो उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता और अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार की नीतियों के खिलाफ बाकायदा, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी पर लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने देश समेत पूरे उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के डबल इंजन सरकार के नारे पर तंज कसते हुए नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अच्छे दिन के नारे पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ऐसा अच्छा दिन सरकार बनते ही जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया, तो इस कैसे इसे अच्छा दिन कहा जा सकता है। तो कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, महंगाई के खिलाफ उनका प्रदर्शन चल रहा है। बीजेपी के अच्छे दिन के नारे पर बाकायदा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि कैसा अच्छा दिन है, किस तरह से अच्छा दिन कहा जाएगा। जैसे ही सरकार बनी, चुनाव खत्म हुआ, चुनाव बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, इसके बाद आम जनता के ऊपर महंगाई का बड़ा बोझ डाल दिया गया है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। जनता ने भी जनादेश दिया है उत्तराखंड में कि बीजेपी की सरकार को जनादेश, बीजेपी सरकार बनी है और उनको आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पहली कैबिनेट में ही जनता को महंगाई की तरफ धकेल दिया है। बिजली, पानी, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल सब चीज महंगे कर दिए हैं। और सुनने में आ रहा है कल से लगभग 150 से 200 दवाइयाँ हैं जिनके दाम दुगने होने जा रहे हैं। और टीवी, फ्रिज, कूलर और आप जो गाड़ी चलाते हैं सब चीज़ महंगी होने जा रही है। ये मैं अब इनको मतलब और कुछ ना कहते बधाई दूंगा कि जनता की ऐसी ही सेवा करते रहें, क्योंकि जनता बहुत जल्दी इनको सबक सिखाएगी। लगातार बढ़ते तेल की कीमतों के खिलाफ राम नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ने लगी। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई पर लगाम नहीं लगाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस तरह से लगातार जैसे गैस के दाम बढ़ गए हैं, सिलेंडर 1000 से ऊपर चले गया है और पिछले लगभग एक हफ्ते से डीजल और पेट्रोल पर रोज पैसे बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थ सब महंगे हो रहे हैं। सरिया पिछले एक डेढ़ महीने में ही 1900 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ चुका है। सीमेंट की बोरी पे भी 150 से 200 रुपया बढ़ गए हैं और इन जनरल भी जो चीज़ें हैं उनमें 15 से 20% जो है महंगाई का इजाफा सारी चीज़ों पर हो रहा है, एक चीज़ पे नहीं, सारी चीज़ों पर। बाज़ार में कुछ भी लेने जाइए तो हर चीज़ जो है जो चुनाव से पहले के भाव थे उससे 15-20% और कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा दाम। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर कांग्रेस को महंगाई नहीं दिखती क्या। उन्होंने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को जनता को गुमराह करने का हथकंडा बताया। कांग्रेस पार्टी का जनता के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है, चूंकि आपस में सिर्फ डब्बल है, नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हुआ है, इसलिए प्रतिस्पर्धा की जा रही है, ढोंग किया जा रहा है, नौटंकी की जा रही है कि महंगाई के नाम पर प्रदर्शन किया जा रहा है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, जनता के प्रति संवेदनशील है कि अधिक महंगाई न बढ़े, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के दाम बढ़ने के कारण इस पर कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर।
गैरसैंण में विधानसभा का सत्र नहीं होने को लेकर सीएम धामी ने सफाई दी है। इस मुद्दे पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद सरकार के पास समय कम था, जिसकी वजह से गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित नहीं हो पाया और आने वाले समय में सरकार गैरसैंण में सत्र आहूत करेगी। हाँ, निश्चित रूप से, चूंकि ये अभी सत्र चुनाव के बाद हुआ था तुरंत, और बजट पारित होना जरूरी था 31 मार्च से पहले, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का सत्र किया गया है। आगे हम वहाँ भी करेंगे। उत्तराखंड में मई के पहले सप्ताह से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधु, चार धाम यात्रा से जुड़े अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जल्द सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सीएम धामी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। जिस प्रकार से दो वर्ष तक लगातार कोविड महामारी रही है, और कोविड महामारी के अब सामान्य हो जाने के कारण से इस प्रकार से होटलों में अन्य और यात्रियों का जो अनुमान है, श्रद्धालुओं का जो अनुमान है, वो अपेक्षा से कहीं ज़्यादा आ रहा है, और उसको लेकर चूँकि देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, उसको लेकर जो सारी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हों, सब यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, सड़क, पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य, सभी विभागों का आज हमने एक यहाँ पर बैठक किया है। उस बैठक में हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो, उनकी यात्रा यहाँ सुगम हो। चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा को लेकर व्यापारियों की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में यातायात, सड़कों पर लगने वाले जाम, अतिक्रमण जैसी कई समस्याओं पर चर्चा हुई। इस दौरान व्यापारियों ने अधिकारियों के सामने कई सुझाव भी रखे। यात्रा को ध्यान में रखते हुए और आने वाले कांवड़ को ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग ली गई, क्योंकि यात्री बहुत ज़्यादा इस समय भी आ रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि अच्छी भीड़ आएगी, तो मार्केट की व्यवस्था बनाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए, और जो ई रिक्शा और ऑटो का संचालन हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा जैम ने लगे और चीज़ें एक दुरुस्त पोजीशन पर रहे, उसको ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग बुलाई गई थी और व्यापारियों से सुझाव। बेसिकली जो ट्रैफिक में इससे पहले समस्याएं आई हैं, उसमें सबसे पहले तो हम लोग एडिशनल पार्किंग से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये हाईवे है, यहाँ पे बेसिकली पार्किंग की ज़्यादा समस्या रहती है, तो अतिरिक्त पार्किंग हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपने कंट्रोल रूम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ट्रैफिक के एंगल से जो एरियाज कवर नहीं थे वहाँ पर हम लोग CCTV लगवा रहे हैं, तो इन्हीं सब कार्रवाइयों को करने के बाद हम लोग ये भी इंश्योर करेंगे कि हमारी यात्रा एक्सीडेंट फ्री हो और आने वाले लोगों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। बेसिकली दरअसल देखा जा रहा कि शहर में अतिक्रमण बहुत लोगों ने किया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ सफाई व्यवस्था को लेकर के, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के बैठक बुलाई गई थी कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रहे और साफ़ सफाई रहे, और जो अतिक्रमण कुछ दुकानदारों ने किया हुआ है, अपने दुकानों के आगे टेबल लगा लेते हैं, तो उससे हमारी जो सड़कें हैं वो सक्रिय हो गई हैं। समाज कल्याण और परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता योजनाओं को धरातल पर उतारने की होगी। इन सभी मुद्दों पर हमारे सहयोगी सौरभ भाटिया ने उनसे बातचीत की। चार बार के विधायक और धामी कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंत्री चंदन राम दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। विभागों का आवंटन हो गया, चुनौतियां काफी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को भी पूरा करना है, क्योंकि 2025 के लिए एक बेहतर राज्य की कल्पना की है प्रधानमंत्री मोदी ने। किस तरीके से मंत्री जी पूरा कर पाएंगे, सरकार पूरा कर पाएगी, सर कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि कई महत्वपूर्ण मंत्रालय आपके पास इस समय हैं? मुझे पहली बार कैबिनेट में आने का मौका मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे महत्वपूर्ण विभाग भी दिए हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देता हूं। जहां तक चुनौती का सवाल है, जो मेरे पास विभाग हैं वो विभाग चाहे समाज कल्याण हो, चाहे लघु उद्यम उद्योग हो, खादी ग्राम उद्योग हो, चाहे परिवहन हो, ये बहुत से ऐसे विभाग हैं जो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, और समाज कल्याण तो इतना बड़ा सेक्टर है, उस समाज कल्याण विभाग के माध्यम से
हम विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, SCP, TSP, आयोग हैं, निगम हैं, बोर्ड हैं, इनके माध्यम से समन्वय करके समाज कल्याण विभाग को एक ठोस और बढ़िया विभाग बना सकते हैं। जहाँ तक परिवहन का सवाल है, परिवहन में रोडवेज सेक्टर एक घाटे का सेक्टर है। जब रोडवेज उत्तराखंड को अलग हुआ तभी घाटा हुआ था, मगर हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने मेहनत करके घाटा पाटने की कोशिश करी, मगर जब एक कोरोना काल आया उसके कारण रोडवेज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बहुत नुकसान हुआ। बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे वो ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, छोटी गाड़ी वाले हों, उनको भी प्रोत्साहन राशि के माध्यम से मदद करने की कोशिश करी, मगर रोडवेज के कर्मचारियों को अभी तनख्वाह की दिक्कत आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 150 करोड़ रुपया उनकी तनख्वाह के लिए जारी कर दिया है। हमारा जो तनख्वाह वाला, वेतन वाला जो बैकलॉग है वो जैसे ही पूरा हो जाएगा तो फिर मैं विभाग की समीक्षा भी करूँगा और ऊर्जावान अधिकारियों को काम दूंगा और अपने कर्मचारी जो हैं उनमें भी ऊर्जा का संचार करने का प्रयास करूंगा, उनके संगठनों से बात करूंगा और मैं समझता हूं कि सबके समन्वय से रोडवेज का घाटा भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। सर, समाज कल्याण विभाग की तमाम योजनाएं अंतिम छोर पर पहुंचाने की योजना सरकार की जरूरत है लेकिन पहुंच नहीं पाती हैं, ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जो योजनाएं तो पहुंच नहीं पाती क्योंकि आप तो खुद इतनी दूर से आते हैं। बहुत से लोग कह रहे थे कि पेंशन योजना फैलाने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरा प्रयास होगा कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ शिविरों के माध्यम से त्वरित गति से वहीं पर समाधान होगा, क्योंकि संकल्प और समाधान इस सरकार का उद्देश्य है। इसलिए लोगों की सुविधा के लिए तत्काल उनके जो समस्या उसका समाधान होगा। 100 दिन के लिए कोई रोड मैप तैयार किया है, क्या कुछ करने जा रहे हैं? अभी विभागों की समीक्षा करूंगा, सभी विभागों के अधिकारियों से बैठ के समन्वय करके रोड मैप तैयार करके 100 दिन में मेरे विभागों में कुछ आपको अच्छा दिखेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। 2025 में प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को एक उत्कृष्ट राज्य के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बात कही थी, उस दिशा में आप लोगों की क्या योजना है? उत्कृष्ट राज्य के लिए रोजगार की आवश्यकता है। जब तक हम स्वरोजगार उपलब्ध नहीं कराएंगे, जो हमारे पलायन बच्चे कर रहे हैं उन बच्चों को हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, जिसके लिए मेरे पास सूक्ष्म और मध्यम उद्योग और ग्रामोद्योग है। मैं चाहता हूं कि स्थानीय जो हमारा उत्पाद है, जो वन संपदा है, जड़ी बूटी है, कृषि है, उद्यान है, इनसे होने वाला जो उत्पादन है, जब तक उसको स्वरोजगार और लघु उद्योग और गृह उद्योग में बदलकर लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, तब तक 2025 का लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाएगा। अगर हम अपने बेरोजगारों को रोजगार दे सके तो ये सबसे बड़ा लक्ष्य होगा उत्तराखंड को समृद्ध राज्य बनाने में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बकायदा सरकार के तमाम मंत्री जो है बेहतर तरीके से काम करने की योजना बना रहे हैं, जो 100 दिन में दिखाई भी देने लगेगी। अब देखना होगा कि 100 दिन में कितना बेहतर काम राज्य सरकार के मंत्री कर पाते हैं। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ मैं सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बेहतर काम करने का भरोसा दिया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अगर विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा बेहतर नहीं हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन सभी मुद्दों पर हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा ने बातचीत की। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिनका पोर्टफोलियो मिल चुका है, उन्हें वन मंत्रालय जैसा विभाग यहाँ पर दिया गया। सर, सरकार ने शपथ ग्रहण कर लिया था, अब विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी सर अब, क्योंकि वन विभाग आपको मिला, सबसे बड़ी चुनौती फायर फॉरेस्ट की है क्योंकि लगातार जंगल। आज ही अपर मुख्य सचिव को बुला करके उनको निर्देश दिए हैं कि वनाग्नि को रोकने के लिए एक तो तत्काल निर्देश जारी करें कि इसके लिए संबंधित DFO जो हैं वो जिम्मेदार होंगे कि वनाग्नि से वनों को और आम आदमी के जीवन को खतरा ना हो, और इसके लिए अगर कहीं पर कुछ इक्विपमेंट्स के लिए आवश्यकता है तो तत्काल इसमें धन की व्यवस्था करें ताकि ऐसे इक्विपमेंट भी दिए जा सके जिससे वनाग्नि पर तत्काल उस पर रोक लग सके। सर, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले टाइम पे क्योंकि लगातार बड़ी घटनाएं होती थी, पिछली बार भी जैसे घटना हुई थी, बड़ा नुकसान उत्तराखंड को झेलना पड़ा था उन संपदाओं, इस बार के लिए क्या कुछ, क्योंकि विभाग दावे बहुत सारे करता है सर कि तैयारियां बहुत सारी हो चुकी है। देखिए, इसमें मेरा ये भी रहेगा कि हम
उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी को भी देखें, चाहे इसमें ड्रोन की मदद लेनी पड़े कि ताकि शुरुआती दौर पर ही आग लगने की उसकी सूचना मिल सके, तो उसके बारे में भी मैं कहीं ना कहीं प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ एक वर्क कल्चर डेवलप करने के लिए मैंने निर्देश दिया है कि जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको अगर उनके खिलाफ़ जांच चली और जांच उनके खिलाफ सही पाई गई है तो ऐसे लोगों की सेवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति की पत्रावली तैयार करें ताकि ऐसे लोगों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सके। साथ ही जो मेन देखिए हम लोगों का काम है जनसेवा, जहाँ पर्यावरण को बचाए रखना, वनों को बचाए रखना जिम्मेदारी है, वहाँ वन विभाग आम आदमी के जीवन में हर्डल पैदा ना करे, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आम आदमी को वन विभाग के कारण कोई परेशानी ना हो, और एक पारदर्शिता के साथ काम किया जाएगा ताकि जो वन भी बचे और आम आदमी के जीवन से जो वन से उसको आवश्यक चीज़ें हैं उनको भी कोई किसी तरह की परेशानी पैदा ना हो। सर, प्रदेश की जनता उस सुबोध दुनियाल को जानती है जिन्होंने कृषि को स्टॉप पे ले जाना है और काम क्या था मुकाम दिया था, कई पुरस्कार मिले थे, इस बार वन के लिए भी क्या सर वही चीज़ें रहेंगी ताकि फिर से पुरस्कार मिल सके? देखिए मेरा काम है जो भी काम दोगे उसको करना और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, और निश्चित रूप से वन विभाग में हर व्यक्ति की को अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करने के अवसर के लिए मैं समझता हूँ प्रयास करूँगा ताकि वन विभाग के बेहतर निर्णय और वन विभाग में जो क्षमता है उसको हम राज्य हित में उसका उपयोग कर सकें। सर एक आखिरी सवाल, ये विधानसभा का सत्र हो तो है, बिना विपक्ष ये कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष के विपक्ष यहाँ पर चल रहा है, क्या कुछ क्या सर चीज़ों पर लेकर विपक्ष की जो ये नाकामी है सत्तापक्ष के प्लस पॉइंट है? देखिए कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस आप जानते हैं कि पिछले बार भी 4-4.5 साल तक सोई रही, आखिरी 6 महीने में कुंभकर्णी नींद से उठी और अंतर्कलह में इतना अंतर्कलह कांग्रेस के अंदर है कि वो नेता प्रतिपक्ष चुने न चुने में समझ गया कोई अंतर नहीं पड़ता। पिछली बार भी नेता प्रतिपक्ष की बात को बाकी लोग नहीं मानते थे, तो अंतर्कलह थे त्रस्त कांग्रेस समाप्ति की ओर है, इसलिए इस बारे में बहुत मैं समझता हूँ सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और अगर विपक्ष का अपना धर्म नहीं निभाता तो उसकी मैं समझता हूँ कुछ जनता की सेहत पर असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सरकार पूरी तरह से गंभीरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। इसलिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, जो विभाग दिए गए उसको उन्नतता के साथ आगे बढ़ाएंगे और जनता की जो सहभागिता उस सहभागिता को साथ लेकर विभाग को एक उन्नत बनाने का काम किया जाएगा। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का टर्नर रोड क्लेम टाउन में विधानसभा क्षेत्र में धर्मपुर की जनता ने बड़ी संख्या में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां बड़ी संख्या में धर्मपुर क्षेत्र की जनता का आभार जताते हुए सीएम ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश की जनता से किए गए वादों को शीघ्र धरातल पर उतारेगी, राज्य के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास सरकार की प्रतिबद्धता रहेगी। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार विकल्प रहित संकल्प के ध्येय वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो घोषणा पूर्व में की गई उनका शासनादेश भी जारी हो। चलिए बढ़ते हैं। उत्तराखंड में टीएचडीसी अधिकारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को दोबारा सीएम बनने की बधाई दी। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भागीरथीपुरम टिहरी के अधिशासी निदेशक यूके सक्सेना ने कहा कि टिहरी बांध के पंप स्टोरेज प्लांट सेकेंड फेज में है, 1000 मेगावाट का उसकी पहली यूनिट दिसंबर 2022 में कमीशन होने जा रही है, इसके लिए पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान की प्रोसेस को देखते हुए हमें पूर्ण भरोसा है कि हम पहली यूनिट को दिसंबर 2022 तक कमीशन कर पाएंगे, उसके 2 महीने के अंदर हम दूसरी, तीसरी और चौथी यूनिट भी कमीशन कर पाएंगे, अर्थात जून 2023 तक हम देश को 1000 मेगावाट बिजली देना शुरू कर देंगे। वर्तमान में टिहरी बांध परियोजना से 1000 मेगावाट और कोटेश्वर बांध परियोजना से 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। परियोजना पूरी होने के बाद टिहरी बांध संपूर्ण क्षमता के साथ 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन कर देश को समृद्ध बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी 1 अप्रैल को छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी जिन छात्रों से बातचीत करेंगे उसमें पौड़ी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय खैरा सेन के छात्र भी शामिल हैं। कार्यक्रम को लेकर विद्यालय ने पूरी तैयारी कर ली है। छात्रों से संवाद के दौरान पीएम मोदी छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने के तरीके बताएंगे।
जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने जिले के सभी विद्यालयों से इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। जो ये परीक्षा पे चर्चा है ये 2018 से हो रहा है और हर साल हमारे स्कूल में भी इसको दिखाते हैं। हम लोग सारे स्कूल के बच्चे मेस में बैठते हैं और वहाँ पे पूरे प्रोग्राम की ब्रॉडकास्टिंग होती है। तो ये जो प्रोग्राम है ये मतलब तभी से पहले ब्रॉडकास्ट से काफ़ी बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि मतलब बच्चों में एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है तो एग्ज़ाम्स के कुछ महीनों पहले ही इसकी ब्रॉडकास्टिंग होती है। उस वजह से काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्योंकि जो हमारे पीएम है वो टिप्स और ट्रिक्स बताते हैं जिससे थोड़ा मेंटल स्ट्रेस कम होता है। जैसे कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं जो 1 अप्रैल को ताल कटोरे स्टेडियम जो कि दिल्ली में है वहाँ परीक्षा पे चर्चा में बात करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस परीक्षा की चर्चा में बात करेंगे कि किस प्रकार जो विद्यार्थी हैं जो बाकी बच्चे हैं वो जो परीक्षा है उससे कैसे स्ट्रेस फ्री रहें, जिस प्रकार उनके अभिभावक उनके जो अध्यापक हैं उन्हें प्रेशराइज करें तो उन्हें प्रेशराइज नहीं करें, क्योंकि प्रेशराइज करके जो परीक्षा है वो और ज़्यादा उनके लिए कठिन हो सकती है और वो परीक्षा को अच्छे से नहीं भी दे पाएंगे। जैसे सर जैसा आपकी जो है इस बार जो परीक्षा पर चर्चा का 5वां एडिशन 1 अप्रैल को जो टेलीकास्ट किया जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जो है लगभग 1000 छात्रों से संवाद स्थापित करेंगे, वो परीक्षा पर विभिन्न प्रकार की जो है जो बच्चों में स्ट्रेस आता है परीक्षा को लेकर के या उनके जो कंसर्न होते हैं उन पे जो है बच्चों से वार्ता करेंगे और अपने उनको सुझाव देंगे जिससे वो जीवन में या परीक्षा को एक तरह से अवसर की तरह लें। वहीं पौड़ी जिले में विकास खंड एकेश्वर के एक माध्यमिक विद्यालय की NSS की इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर में छात्रा स्वयं सेवियों से नशे में छेड़खानी की गई, जिसके बाद छेड़खानी के आरोपी 2 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। विद्यालय प्रबंध समिति की संस्तुति को मुख्य शिक्षा अधिकारी ने निलंबन के आदेश जारी किए हैं। निलंबित दोनों आरोपी शिक्षकों को BEO की तरफ से बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नगर पालिका रामनगर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। नगर पालिका जिलाधिकारी के आदेश पर नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान अतिक्रमण करने वाले लोगों के सामानों को जब्त कर लिया गया है और जुर्माना काटा गया। इस दौरान कई अतिक्रमणकारी सामान लेकर भागते भी नजर आए। जिलाधिकारी महोदय के अधिकार अनुसार ये कार्रवाई की जा रही है। जो NH पे जो बेतरतीब तरीके से जो ठेले प्लॉट जो लगे हुए थे उन पे आज कार्रवाई की जा रही है, और जो ठेले कभी चलते ही नहीं है बेकार पड़े हुए उनको भी जब्त किया जा रहा है, और ठेले वालों के जो आसपास जो गंदगी की जा रही है उन पे भी कार्रवाई की जा रही है तथा चालानी कार्रवाई भी की गई है। और वहीं इस केस के स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में इन दिनों गुलदार का खौफ बना हुआ है। पिछले कई दिनों से स्वर्ग आश्रम क्षेत्र के टैक्सी स्टैंड के पास गुलदार को देखा जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग खौफ में हैं। ऐसा ही एक वीडियो गुलदार का सामने आया है, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, जिसमें गुलदार सड़क कूद करके पार करता वो नज़र आ रहा है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।